श्रावण मास के आखिरी सोमवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अटल दरबार मंदिर से शिवडोले के साथ शाही सवारी निकली। इस शाही सवारी में चली झांकियों के साथ फिल्मी दुनिया के डुप्लीकेट गोविंद, जॉनी लीवर व नृत्य कलाकार गायक कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और जनता का दिल जीता। शाही सवारी को देखने के लिए लाखों का जनसैलाब उमड़ा। फिल्मी दुनिया के डुप्लीकेट सितारों व गायकों की प्रस्तुतियों को देखकर आसपास के आए ग्रामीण एवं नगर की जनता खुश हुई व बाबा के शिवडोले का जगह जगह सर्व समाज द्वारा मंच लगाकर स्वागत किया व शिवडोले की पूजा कर बाबा से आशीर्वाद लिया। यह शाही सवारी की परंपरा लगभग 10 से 12 वर्षों से चली आ रही है। यह बाबा भोलेनाथ का मंदिर बंकनाथ अटल दरबार मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। यह अति प्राचीन मंदिर है तथा मां नर्मदा परिक्रमा वासी भी इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। इस मंदिर में श्रावण मास में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। सांसद बड़ा जो ये शाही सवारी निकल रही है इसके बारे में बताइए। ये शाही सवारी परंपरागत प्रति वर्ष निकलती है और बड़े हर्षोल्लास के कई झांकियां, कई मनोरंजन के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हम लोग हमारी संस्कृति के अनुसार उसका पूजन पाठ करते हैं। और ये आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंच लगा है। यहाँ पे हम शाही सवारी का और बंकनाथ दरबार और अटल दरबार का स्वागत कर सकते हैं और इस साल और विशेष उल्लास हो गया है शाही सवारी में। जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो 370 कश्मीर में समाप्त की, पूरे देश को एक सूत्र मानता, ये कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, पूरे देश में उल्लास, हर वर्ग में उल्लास है। वो चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुसलमान वर्ग हो, चाहे वो सिख वर्ग हो, चाहे वो ईसाई वर्ग हो, सब राष्ट्र हित में जो काम किया सब ने स्वागत किया और सभी का इसमें राष्ट्र को बहुत क्षति, तो वो उल्लास इसमें और डबल कर गया। मोदी जी का उल्लास धारा 370 समाप्त करने का और बड़ा आनंदित हो गया और डबल उत्साह से ये शाही सवारी का आयोजन हुआ है और चल समारोह शहर में निकल रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंच से सामने से आएगा तो सभी संतों का और अटल दरबार का सम्मान स्वागत किया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।